हाय, मैं हूँ अनाहिता, आपकी प्यारी अंशा मेहता नहीं सागर से बिग मैजिक। ये बताइए, अपने शो के माध्यम से किस तरह से आप चुनाव के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि वोट दें? मैं अंशा मेहता नेता का रोल प्ले करती हूँ, तो आपसे वोट ही मांगने आई हूँ ना। तो मैं आपसे आज वोट मांगूंगी और ये कहूंगी कि आप अपना कीमती वोट जरूर दें। आज हमारे देश में अपने आसपास जो भी हालत है, जो भी स्थिति है, आपको जो भी कंप्लेन है, वो हिसाब से आपका देश इस इलेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में आगे चलना चाहिए, इसके लिए आप जरूर देखें बिग चुनावी मैजिक, बिग मैजिक पर 27 अप्रैल से हर रविवार शाम 8 बजे। ये बताइए, इलेक्शन कितना बदलाव लाएगा देश में, या सिर्फ एक दिखावा है ये इलेक्शन, इससे कुछ बदलाव होने वाला है? नहीं, इस बार के इलेक्शन से मुझे इतनी उम्मीद है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इस देश में बदलाव ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर आएगा। और इस बार के चुनाव इतने अहमियत रखते हैं हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश में परिवर्तन लाने के लिए, और इन सब के लिए, इन सब चीज़ों पर हमारा ही निर्भर है कि भाई हम जाकर वोट करें, ताकि देश में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। मैं पर्सनली मोदी जी की सरकार देखना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उनके काम, उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को अनुभव किया है। मैं खुद गुजरात से हूँ, और मैंने इसलिए नहीं कि मैं गुजरात से हूँ इसलिए मैं मोदी जी की सरकार चाहती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है हमारे गुजरात में। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा बदलाव हमारा कोई भी नेता चुने, आप नेता ऐसा चुने जो काम करें और हमारे देश में बदलाव लाएं। लेकिन हर पार्टी अपना जो प्रोपेगेंडा रखती है कि हम बेहतर करेंगे, तो काम वो तो हम सालों से देखते आए हैं कि हर पार्टी इलेक्शन के वक्त हमेशा प्रोपेगेंडा करती है कि हमने ये किया है और हम ये करना चाहते हैं, और फिर 5 साल तक हम खुद अनुभव करते हैं कि हम कैसी कैसी महंगाई और कैसी कैसी तकलीफ है और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमेशा देखते आए हुए हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप समझते हैं वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री अलग है, पॉलिटिक्स। इंसान, एक एक्टर अगर ये चाहता है कि उसका डेडिकेशन, एक सेवाभावी भाव होना चाहिए उसमें, एक सेवा का भाव होना चाहिए, जो अपने देश के लिए, अपने आसपास, अपने एरिया के लिए अगर कुछ कर सकता है तो वो ज़रूर करे, और वही इंसान नेता बने जो समाज के लिए उपयोगी हो। मही सागर लोगों को बहुत ही पसंद है, और खास करके मेरी देसी बहू और मैं मॉडर्न सास, हम दोनों की नोक झोंक और तू तू मैं तो सबको जरूरी बनती है। मैं एक दिन की सीएम अगर बनूंगी तो मुझे सबसे पहले नारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए काम करने का मन करेगा, और साथ में अपने वहाँ एजुकेशनल सिस्टम भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो एजुकेशन सिस्टम की भी ध्यान देना पड़ेगा, और ख़ास करके ग्रामीण विस्तार जो है, ग्रामीण विस्तार में हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, हर एक छोटे से छोटा आदमी एम्प्लॉयड हो और 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके, उसको महंगाई इतनी चुभे नहीं, उस तरह से कुछ भी काम करना ज़रूर पसंद करूँगी। थैंक यू।